नमस्ते, आप सबका स्वागत है बिस्टार्ट के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में। कैसे आईपीएल बहुत जल्दी इतना सक्सेसफुल बन गया और आईपीएल कैसे अरबों रुपए छाप रहा है, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल भारत में एक प्रोफेशनली T20 क्रिकेट लीग है, जो भारत के 8 अलग अलग सिटीज़ का रिप्रेजेंटिंग करने वाली 8 टीम द्वारा हर साल मार्च या अप्रैल और मई के दौरान लड़ी जाती है, यानी आपस में खेली जाती है। यहाँ पर पूरे इंडिया की 8 अलग अलग शहरों की टीम आपस में खेलती हैं, इसलिए लोग इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं कि हमारी टीम जीतेगी या हमारी सिटीज जीतेगी, और इसलिए लोगों के बीच एंगेजमेंट बनी रहती है। आईपीएल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट BCCI ने 2008 में फाउंडेड किया था। BCCI के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी कहा गया था कि आईपीएल के आइडिया के पीछे मास्टरमाइंड थे, यानी वो ही आईपीएल का आइडिया लेकर आए थे। टूर्नामेंट के डिटेल, इसके फॉर्मेट, प्राइज मनी, फ्रेंचाइज रेवेन्यू सिस्टम और स्क्वाड कंपोजिशन रूल सभी उन्होंने ही बताए थे। आईपीएल दुनिया में सबसे अधिक भाग लेने वाली क्रिकेट लीग है और 2014 में सभी खेल लीग में एवरेज अटेंडेंस के साथ 6 स्थान पर रही। डफ एंड फेल्प्स के अनुसार 2019 में आईपीएल का ब्रांड वैल्यूएशन करीब 475 बिलियन रुपी यानी 6.9 बिलियन यूएस डॉलर का था। बीसीसीआई के अनुसार 2015 के आईपीएल सीजन ने इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी में 11.5 बिलियन रुपी यानी 170 मिलियन डॉलर का योगदान दिया। नई लीग के लिए ओनर को तय करने के लिए 400 मिलियन डॉलर की कॉस्टिंग वाली फ्रेंचाइज की टोटल बेस प्राइस के साथ 24 जनवरी 2008 को एक ऑक्शन आयोजित किया। ऑक्शन के अंत में विजेता बोली लगाने वाले की घोषणा की गई। साथ ही साथ सिटीज में टीम का आधार होगा, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, महुली और बम्बई। एंड में सभी फ्रेंचाइज टोटल 723.59 मिलियन डॉलर में बेची गई। एक टीम तीन तरीकों में से किसी के माध्यम से प्लेयर को एक्वायर कर सकती है। पहला, एनुअल प्लेयर ऑक्शन। दूसरा, ट्रेडिंग विंडो के दौरान अदर टीम के साथ ट्रेडिंग प्लेयर्स। और तीसरा, अनेबल प्लेयर्स के लिए रिप्लेसमेंट पर साइनिंग करना। प्लेयर ऑक्शन के लिए साइन अप करते हैं और अपना बेस प्राइस भी सेट करते हैं और सबसे अधिक बोली लगाने वाली की फ्रेंचाइज द्वारा खरीदे जाते हैं। टीम कॉम्पोजिशन के कुछ नियम 2020 सीजन के अनुसार इस प्रकार हैं। टीम 18 से 25 प्लेयर के बीच होनी चाहिए, जिसमें 8 खिलाड़ी यानी 8 प्लेयर्स विदेशी होने चाहिए। पूरे टीम की सैलरी कैप 850 मिलियन रुपी यानी 12 मिलियन डॉलर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आईपीएल 2020 में 62 प्लेयर सोल्ड किए गए और विदेशी प्लेयर 29। इन प्लेयर को खरीदने के लिए टोटल स्पेंट 1,403 मिलियन रुपी किया गया। पैट कमिंस ने अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ सेट की थी, जिसको KKR ने 15.50 रुपीज करोड़ में खरीदा। ग्लेन मैक्सवेल को 10.75 करोड़ में किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा, और आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं। आईपीएल के 2019 सीजन में टोटल प्राइस मनी 500 मिलियन रुपी यानी 7.2 मिलियन डॉलर थी, जिसमें विनिंग टीम को 200 मिलियन यानी US$2.9 मिलियन दिए गए। टोटल प्राइस में से 40% विनिंग टीम लेती है, 25% सेकेंड आने वाली टीम, 17.5% थर्ड आने वाली टीम और फोर्थ आने वाली टीम को भी 17.5% मिलते हैं। बाकी टीमों को कुछ नहीं मिलता प्राइज मनी में से। लेकिन आईपीएल और सभी फ्रेंचाइज और टीम्स पैसे कैसे कमाती हैं? पहला तो हो गया प्राइज मनी और दूसरा टाइटल स्पॉन्सरशिप। 2008 से 2012 तक टाइटल स्पॉन्सर DLF थे, भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर, जिसने 5 साल के लिए 2 बिलियन रुपी यानी 29 मिलियन डॉलर की बोली के साथ राइट्स हासिल किए थे। 2012 के सीजन के बाद पेप्सिको ने बाद के 5 साल के लिए 3.97 बिलियन रुपी यानी US$57 मिलियन डॉलर के लिए स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे। हालांकि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से 2 साल पहले अक्टूबर 2015 में डील को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि चेन्नई और राजस्थान फ्रेंचाइज के बीच मैच फिक्सिंग की खबर आने लगी। पेप्सिको ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले 3 साल के स्पॉन्सरशिप के लिए 2.38 बिलियन रुपी यानी
$34 मिलियन का अमाउंट पेड किया। इसके बाद BCCI ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट ट्रांसफ़र कर दिया 2 सीजन के लिए चीनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर वीवो को 1.9 मिलियन रुपये के लिए। जून 2017 में वीवो ने नेक्स्ट 5 सीजन 2018 से 2022 के लिए 21.99 मिलियन रुपये यानी $320 मिलियन की विनिंग बिड बोली के साथ स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे। IPL टूर्नामेंट 2016 और 18 तक वैल्यूशन में तेजी से ग्रो हुई। पूरे IPL को US के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने 2016 में $4.16 बिलियन का वैल्यू दिया था, लेकिन 2017 में ये वैल्यू बढ़कर $5.3 बिलियन हो गया और 2018 में $6.13 बिलियन हो गया। डफ एंड फेब्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडियन प्रीमियर लीग के वैल्यूशन को तेजी से ग्रोथ में योगदान देने वाले फैक्टर्स में से एक स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक नया टेलीविजन सौदा साइनअप करने से हुआ। स्टार इंडिया ने रीजनल लैंग्वेज में IPL को लेकर आया, जिससे व्यूअर और ज़्यादा IPL को देखने लगे यानी और लोग IPL के साथ जुड़ने लगे। इंडिविजुअल्स फ्रेंचाइज का वैल्यूशन अलग अलग होता है, जिसमें टॉप वैल्यू टीम्स बम्बई इंडियंस $113 मिलियन और कोलकाता नाइट राइडर्स $104 मिलियन है। रिपोर्ट में मेंशन अदर फ्रेंचाइज $43 मिलियन राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग $98 मिलियन के वैल्यूशन में वेरिड हैं। ब्रॉडकास्टिंग 2008 से 2017 IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट को वैल्यूड रूप से सोनी पिक्चर नेटवर्क और वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप के बीच 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर $1.3 बिलियन में बेच दिया। सोनी डोमेस्टिक टेलीविजन के लिए जिम्मेदार होगी, जबकि वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को संभालेगा। ब्रॉडकास्टिंग से जो भी पैसा आएगा IPL को 20% मिलेगा, 8% प्राइज मनी में जाएगा और 72% फ्रेंचाइज के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ये सिर्फ 2008 से 2012 तक। इसके बाद IPL ने सोचा था कि वो शेयर मार्केट में लिस्ट होगी और अपने शेयर अलॉटमेंट करेगी। हालांकि मार्च 2010 में IPL ने डिसाइड किया कि शेयर मार्केट में नहीं जाएगी और अपने शेयर को अलॉटमेंट करने का फैसला बदल दिया। 4 दिसंबर 2017 को ये घोषणा की गई थी कि स्टार इंडिया ने 2018 से 2022 तक 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के तहत IPL के डिजिटल राइट्स हासिल किए थे 163.475 बिलियन रुपये यानी $2.55 बिलियन में लिए गए। ये पिछले डील की तुलना में 158% की ग्रोथ है और क्रिकेट की इतिहास में सबसे महंगा ब्रॉडकास्ट राइट डील है। स्टार इंडिया के साथ साथ सोनी ने भी डोमेस्टिक टेलीविज़न के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई और फेसबुक ने भी डोमेस्टिक डिजिटल राइट के लिए $600 मिलियन की बोली लगाई थी, लेकिन स्टार इंडिया ने ग्लोबली बोली लगाई, इसलिए स्टार इंडिया को ही सारे राइट्स मिल गए। स्टार इंडिया ब्रॉडकास्ट IPL मैचेस भारत में अपने OTT वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार के माध्यम से हॉटस्टार VIP या हॉटस्टार प्रीमियम के सब्सक्राइबर को लाइव ऑनलाइन देखने को मिलता है। और क्या आपको पता है, हॉटस्टार या स्टार इंडिया अमेरिका कंपनी डिस्नी का हिस्सा है। IPL धीरे धीरे बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और बहुत प्रॉफिटेबल भी बनता जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।